हेलो पिलामाने मु तमनको स्वागत करूँ फिजिक्स विषय को लास्ट क्लास रे आमे क्वांटम मेकानिक्स रे पढ़ीतिले नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन जो माने प्रीवियस लेक्चर गुडा देखिना हते मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे दोची प्लेलिस्ट रो प्रथमे पुराना लेक्चर गुडा देखि नेउंतु। तो आज आमे पढ़िबा लिनियरिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन इज दैट इट इज लिनियर इन ए वेव फंक्शन साई। आम जाचन जे क्वांटम मेकानिक्स आमर गोटे फंडामेंटल इक्वेशन है स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन, तार सल्यूशन हो साई आउ ये गोटे लिनियर बिहेव करुच्ची आमर स्क्रोडिंजर इक्वेशन रे। आगु जाना जे लिनियरिटी प्रिंसिपलटा कौन, दिस मीन्स दैट द इक्वेशन इज इन टर्म ऑफ साई एंड इट्स डेरिवेटिव एंड नो टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ साई। दिस मीन्स दैट इक्वेशन इज इन टर्म ऑफ साई, यहाँ केवल साईर टर्म में आसो। एग्जांपल आम स्क्रोडिंजर इक्वेशन रे कौन पढ़ते डेल साई बाय डेल एक्स जोटा कि डेरिवेटिव फॉर्म रे भी थिला, सेतिरे साई मध्य थिला एंड नो टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ साई। एमिति कौन सी टर्म नथिबो जोटा कि साई द्वारा आमरो डिनोटेड हे नथिबो। दस द लिनियर प्रॉपर्टी डिफाइंड एज इफ साई वन साई टू साई थ्री अप टू साई एन आर डिफरेंट वेव फंक्शन रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटम स्टेट ऑफ द सेम सिस्टम। तो लिनियर प्रॉपर्टी आम केमी डिफाइन करुचे ना जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन आमर कौन रहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आसो बोले आम नॉर्मलाइजेशन भी पढ़ते। तो जो साई वन साई टू साई थ्री साई एन कौन है डिफरेंट वेव फंक्शन है स्क्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्यूशन है दे रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटम स्टेट ऑफ द सेम सिस्टम। गोटे सिस्टम डिफरेंट क्वांटम स्टेट को सेमाने रिप्रेजेंट करती। देन देयर लिनियर कॉम्बिनेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स विल रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन ऑफ ए गिवन सिस्टम। ताहले कौन हम ना तांकर लिनियर कॉम्बिनेशन विथ ए कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट एटी C1 C2 एमान को कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट बोली कहगला। दे विल रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन ऑफ ए गिवन सिस्टम। गोटे सिस्टम रो गिवन वेव फंक्शन को सेमाने रिप्रेजेंट करिवे लिनियर कॉम्बिनेशन केमिति ना साई इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 अप टू Cn साई एन। साई इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन एटा में जानि चते। आको हम आउ केमति लिखि परिबा ना साई इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n Ci साई i। तो ये थिला हमरो लिनियरिटी प्रिंसिपल। तापर हम पढिबा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कोन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रे मध्ये हम लिनियरिटी प्रिंसिपल रो हमें कॉन्सेप्ट यूज करिबा। व्हेन टू और मोर वेव मूविंग थ्रू द सेम रीजन ऑफ स्पेस वेव्स विल सुपरइम्पोज एंड प्रोड्यूस ए वेल डिफाइंड कंबाइन इफेक्ट। जेते बेले दुई रो अधिक वेव आमर गोटे रीजन ऑफ स्पेस रे मूव करूथिबे ताले सेमाने सुपरइम्पोज हेबे। सुपरइम्पोज माने कोन ओवरलैप हे जिवो, गोटे ऊपर गोटे वेव ओवरलैप हे जिवो आउ सेमाने गोटे वेल डिफाइंड कंबाइन इफेक्ट गोटे प्रोड्यूस करिवे। इफ साई इक्वल टू a1 साई 1 प्लस a2 साई 2 इज ए सॉल्यूशन। जदि आमर स्क्रोडिंजर इक्वेशन रो सॉल्यूशन साई इक्वल टू a1 साई 1 प्लस a2 साई 2 हैला जोठी a1 और a2 हैला आमर कांस्टेंट्स, देन साई 1 साई 2 फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ताले आम कह साई टू साई वन और साई टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करुँचंती। दैट मीन्स द नेट एम्प्लीट्यूड कॉज्ड बाय टू और मोर वेव ट्रावर्सिंग द सेम स्पेस इज द सम ऑफ द एम्प्लीट्यूड दैट वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेव्स सेपरेटली। दैट मीन्स कौन द नेट एम्प्लीट्यूड कॉज्ड बाय टू और मोर वेव्स ट्रावर्सिंग द सेम स्पेस। आमर नेट एम्प्लीट्यूड दुईटा वेव जो जो दुईटा वेव एम्प्लीट्यूड कौन हम ना सम ऑफ द एम्प्लीट्यूड दैट वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेव्स। तार नेट एम्प्लीट्यूडटा हमरो डिफरेंट वेव्रो एम्प्लीट्यूड सहित सामान हम। तापर हम कौन पढ़ा ना डेरिवेशन ऑफ लिनियरिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। डेरिवेशन ऑफ लिनियरिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इफ साई वन एंड साई टू आर वेव फंक्शन एंड ओ कैप इज द ऑपरेटर है। जदि साई वन एंड साई टू दुईटा वेव फंक्शन है ओ आमर गोटे आमर ऑपरेटर है मैथमेटिकल ऑपरेटर है, देन ओ कैप साई वन इक्वल टू आमर लैम्बडा साई वन। एटा को हम देले इक्वेशन 1, ओ कैप साई टू है आमर लैम्बडा साई टू। आकु देले आम इक्वेशन 2 मन रख पे एग्जाम में ठीक एमती लिखो। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियर कॉम्बिनेशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियर कॉम्बिनेशन ये आम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रे लिनियर कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट यूज कले। साई इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 आम जानी आगुरी आम पढ़ले लिनियर कॉम्बिनेशन रे लिनियर प्रिंसिपल रे। तो साई इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 जोदी कि आमर C1 C2 कौन है आमर कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है। इफ वी मल्टीप्लाई ओ कैप विथ बोथ साइड्स ऑफ द एबव इक्वेशन वी गेट ओ कैप साई इक्वल टू ओ कैप होल इंटू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। आपको आज जब आम सिंप्लीफाई करवा कौन हम ना ओ कैपटा भितर गुणी हो कैप C1 साई 1 प्लस ओ कैप C2 साई 2। आम कौन नहीं ना ओ कैप साइ वन इक्वल टू लैम्बडा साइ वन ओ कैप साइ टू इक्वल टू लैम्बडा साइ टू तो तार भैल्यू आम जो पुट करवा कौन हम ना लैम्बडा c1 साइ1 प्लस लैम्बडा c2 साइ2 ओ कैप साइ इक्वल टू लैम्बडा c1 साइ1 प्लस लैम्बडा c2 साइ2 एठी लैम्बडा कॉमन बाहर कले हमर कोन हिजबो ना c1 साइ1 प्लस c2 साइ2 तो c1 प्लस c1 साइ1 प्लस c2 साइ2 रो वैल्यू कोन ना एठी हम साइ बोली आनि चंदी लिनियर कॉम्बिनेशन रो प्रिंसिपल अनुसार तो आ बदल रे हम साइ पुट करबा ओ कैप साइ इक्वल टू लैम्बडा साइ जोटा के हमरो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल साइ1 साइ2 फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तुम ठीक यही भाया लिख पे लिनियरिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आशा करुँच तुम मैंने बुझीप पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे।